उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का ये सैलाब यहाँ भक्ति और आस्था की नई कहानी कह रहा है। वैसे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने और बाबा की खास भस्म आरती देखने के लिए भक्तों की कतार साल भर लगी रहती है, लेकिन खास बात ये भी है कि महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इसके कारण मंदिर में आने वाले चढ़ावे में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। केवल 10 महीने में यहां 130 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। मंदिर के दान पात्र में जमा रकम के अलावा वीआईपी दर्शन शुल्क, शीघ्र दर्शन शुल्क और लड्डू प्रसाद की बिक्री से मिली रकम इसमें शामिल है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में आ रहे चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम विगत 5 साल की बात करें तो ये लगातार वृद्धि हुई है। पिछले साल भी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी, उसके पहले ये जो आय है वो लगभग 40-45 करोड़ थी, उसके पहले 22-23 करोड़ थी। तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों में ये काफ़ी वृद्धि हुई है। उसका बहुत बड़ा कारण महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। वर्तमान में भी लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। केवल साल 2024 के शुरुआती 41 दिनों में ही 1,20,00,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। शनिवार रविवार को 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि जैसे खास अवसरों पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या 7 से 8 लाख तक हो जाती है। महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात विगत 1 वर्षों में जो श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है, निरंतर बढ़ती जा रही है। और आपने देखा है कि दिन में श्रावण महोत्सव में भी 5-5-6-6 लाख लोग आगमन हुआ है, और जिस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं उसी रेशो में यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। पीएम मोदी ने 2022 में 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण से महाकाल मंदिर परिसर की शोभा बढ़ी है, तो साथ ही साथ यहाँ धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।